हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। तो लेट मी टेल यू द कम्प्लीट स्टोरी। सो आप लोग कमेंट्स लिखते हो चैनल पे और मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपके सारे कमेंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। पहली कैटेगरी है एक इस तरह का कमेंट जहाँ पर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो या फिर हेल्प मांगते हो या आपको कुछ डाउट होता है, ठीक है। फिर एक सेकेंड कैटेगरी ऑफ कमेंट्स है जहाँ पर एप्रिसिएशन मिलता है। बेसिकली आप एप्रिशिएट करते हो मेरे वीडियोस को या मेरे काम को, ठीक है, जिनको पढ़ के बेसिकली अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज एप्रिसिएशन कमेंट्स। तो एप्रिसिएशन कमेंट्स में मैंने एक चीज़ नोटिस की पिछले 6 महीनों में, शायद उससे भी पहले से, कि एक पर्टिकुलर वर्ड बहुत बार आता है और वो वर्ड है अंडररेटेड, ठीक है। तो अगर मैं एक बार भी स्क्रॉल डाउन करूँ ना सारे कमेंट्स, तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स जहाँ पे लिखा हुआ है दिस चैनल इज सो अंडररेटेड, सर यू आर अंडररेटेड, दिस अंडररेटेड, दैट अंडररेटेड। ये वर्ड बार बार आया है। अब ऑनेस्टली इस वर्ड को थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। अंडररेटेड का बेसिकली मतलब हुआ कि यार आप जो हो ना, आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो, कुछ इस तरह का मीनिंग है उसका। बट ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, सिंस मैं स्टार्टअप्स में बहुत काम कर चुका हूँ, मैंने खुद के भी स्टार्टअप्स में काम किया है, आई कैन टेल यू स्टार्टअप मेंटेलिटी में अंडररेटेड वर्ड को बहुत ही नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। लेट मी टेल यू स्टार्टअप के सिनेरियो में अंडररेटेड का क्या मतलब है। अंडररेटेड का मतलब है कि कोई चीज़ मार्केटिंग में कम्प्लीटली फेल की है। मतलब अगर कोई स्टार्टअप अंडररेटेड है या कोई प्रोडक्ट अंडररेटेड है, इट बेसिकली मीन्स कि वो अच्छा है, कस्टमर्स को वो पसंद आएगा, बट समहाउ कस्टमर्स को उसके बारे में पता ही नहीं है। इट बेसिकली मीन्स मार्केटिंग अच्छा नहीं रहा। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऑनेस्टली। जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ आई फील कि यार इज देयर अ प्रॉब्लम। बट सिंस मैं इतना ज़्यादा घुसा हुआ हूँ वीडियोस बनाने में, आपको पढ़ाने में, कि मैं ज़्यादा सोचता नहीं था उसके बारे में। तो आज मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, 3 साल हो गए वीडियोज़ डालते डालते, थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या हुआ है। मतलब 3 सालों में देर आर लाइक 18,000 सब्सक्राइबर्स, अच्छा तो नहीं है किसी भी सेंस में। तो कैन आई डू अ एनालिटिकल स्टडी, मैं इतना मशीन लर्निंग डेटा साइंस की बात करता हूँ, क्या मैं अपने जनरेटेड डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकता हूँ। तो तब मेरे को ये आइडिया आया और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल के ऊपर एक प्रॉपर एनालिटिकल स्टडी रन करूँगा, वही पाइथन, वही टूल्स चला के, और मैं कंपेयर करूंगा अपने चैनल को अपने ही डोमेन के, एज इन डेटा साइंस के डोमेन के, बाकी चैनल्स के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में यही होने वाला है कि मैं 50 और चैनल्स हैं जो डेटा साइंस की डोमेन में हैं, उनके साथ अपने चैनल को कंपेयर करूंगा अलग अलग मेट्रिक्स पे, और उसी का रिजल्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा स्टैंड कर रहा है कैंपस एक्स, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखना। लास्ट में मैं आपको अपना कंक्लूजन बताने वाला हूँ और वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें रिवील होंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डेटा कलेक्ट कैसे किया, ठीक है। तो मुझे ये एक प्लगइन मिला, शायद आपने नाम भी सुना होगा, ट्यूब बडी। ये यूट्यूबर्स के लिए क्रोम प्लगइन है जिसको यूज़ करके आप बहुत सारा एनालिटिक्स अपने चैनल का देख सकते हो। अच्छी बात यह है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आप कोई भी चैनल ओपन करो, ये उस चैनल के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको निकाल के देता है, ठीक है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो चैनल है स्टैट क्वेस्ट, विच इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूब चैनल फॉर डेटा साइंस, इसमें 35.9 मिलियन व्यूज अभी तक आए हैं, 217 वीडियोज डले हैं, लास्ट 30 डेज में इतने व्यूज हैं, इतने वीडियोज हैं, और लास्ट मंथ में टोटल मिला के इतने व्यूज हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे जितने भी यूट्यूब चैनल्स पता थे डेटा साइंस की डोमेन में, मैं उन सबके पेज पे गया बिल्कुल ऐसे, और मैंने एक डेटा सेट बनाया। जस्ट वन सेकेंड, ये रहा वो डेटा सेट। यू कैन सी देर आर इन टोटल 51 चैनल्स इंक्लूडिंग कैंपस एक्स, ठीक है। क्या क्या कॉलम्स हैं हमारे पास, हमारे पास कॉलम्स हैं व्यूज, टोटल अभी तक कितने व्यूज पड़े हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, लास्ट 30 डेज में कितने व्यूज पड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कितने चैनल पे, और वो चैनल कब स्टार्ट हुआ था। ये कैसे निकाला मैंने,
मैं हर चैनल पे गया और सॉर्ट किया, मैंने सबसे ओल्डेस्ट वीडियो को सबसे पहले लेके आया, और वो सबसे ओल्डेस्ट वीडियो जो था वो किस डेट पे आया था वो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि कोई चैनल कितना पुराना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरे को इससे ज्यादा कुछ डेटा नहीं मिल पाया, तो आज हम लोग पूरा का पूरा काम इतनी ही चीज के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है, दैट्स द प्लान। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक नोटबुक पहले से बना रखा है, मैंने सारी एनालिसिस रन कर लिए, मुझे बस आपको दिखाना है, ठीक है, और आपके साथ डिस्कस करना है। तो यू कैन सी ये सब चीज आपको पता ही है, यहाँ पे हमने सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, यहाँ पे मैंने डेटा सेट इंपोर्ट किया, दिस इज द डेटा सेट जो मैंने आपको अभी दिखाया, सेम डेटा सेट है, ठीक है। शेप इज 51.6, देर आर 51 चैनल्स, एक कैंपस एक्स है और 50 और चैनल्स हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो व्यूज हैं ये मिलियंस में है, सब्सक्राइबर्स थाउजेंड्स में है, लास्ट 30 डेज भी थाउजेंड्स में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सही फैक्टर में उसको कन्वर्ट कर दिया। सो इस ऑपरेशन के बाद अब मेरे पास व्यूज मिलियंस में, एग्जैक्ट नंबर है एक्चुअली, मिलियंस में नहीं है, एग्जैक्ट नंबर है, सब्सक्राइबर्स एग्जैक्ट नंबर है, लास्ट 30 डे व्यूज एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। थोड़ी सी डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद मैंने क्या किया, हाउ ओल्ड जो था, ये जो कॉलम था हाउ ओल्ड, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू नंबर ऑफ डेज। पहला वीडियो जब आया था और आज की डेट में जितने दिन बीते हैं वो है यहाँ पर। सो अगर मैं नीचे जाऊं, ये देखो हाउ ओल्ड में ये दिन के हिसाब से बात हो रही है कि ये जो चैनल है डेटा स्कूल, ये ऑलमोस्ट 3000 दिन पुराना है, ठीक है, सिंपल डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक दो चैनल्स हैं जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं, जैसे ये एक चैनल है अभिषेक अग्रवाल, इन्होंने शायद अपना सब्सक्राइबर काउंट हाइड कर रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने KNN इम्प्यूटर चला के प्रिडिक्शन किया कि कितना हो सकता है उनका सब्सक्राइबर, तो रफली अराउंड 114,000 आ रहा था, मैंने उसको 1,00,000 कर दिया, ठीक है, मतलब एक सिंगल वैल्यू मिसिंग थी और मैं उस चैनल को भी यूज करना चाहता था, दैट इज वाई मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब मेरे पास जो डेटा है इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर एनालिसिस, ठीक है। तो मैंने टोटल मिला के 11 मेट्रिक्स डिसाइड किए, 11 पैरामीटर्स पे हम डिसाइड करेंगे कैंपस एक्स का परफॉर्मेंस, ठीक है। तो पहला चार पांच चीज बहुत सिंपल है, हम सीधे सीधे रैंक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है व्यू रैंक, बेसिकली हर चैनल ने कुछ व्यूज अर्न किए हैं, उसमें कैंपस एक्स का रैंकिंग क्या है वो देखना है मुझे, ठीक है। इट वॉज सैड, आउट ऑफ 51 चैनल्स 37th नंबर पे है। व्यूज की बात अगर आप करो, मतलब 36 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके नंबर ऑफ व्यूज मेरे से ज्यादा हैं, ठीक है। अगर आप परसेंटाइल की बात करो, होता है ना कैट में परसेंटाइल होता है, 98-99 परसेंटाइल बहुत अच्छा होता है, मैं 27th परसेंटाइल पे हूँ, मतलब इमेजिन दैट, ठीक है। अगर आपको देखना है कि कौन से चैनल्स हैं टॉप 10 जिनके व्यूज सबसे ज्यादा हैं, तो देर इज दिस चैनल कॉल्ड सेंटेक्स, काफी पुराना चैनल है, क्रिश सर का चैनल है, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग है, स्टार्ट क्वेस्ट जो मैंने आपको अभी दिखाया, कोड बेसिक्स धवल सर का चैनल है, और अप्लाइड AI। सो यू कैन सी, अच्छी बात ये है, खुशी की बात कि काफी सारे इंडियन चैनल्स हैं टॉप 10 में, अराउंड 4-5, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं सब्सक्राइबर रैंक पे, ठीक है। सब्सक्राइबर रैंक बेसिकली सारे यूट्यूब चैनल्स में सब्सक्राइबर्स हैं, मैं बस देखना चाहता हूँ कि मेरा रैंक क्या है सब्सक्राइबर काउंट के हिसाब से। अगेन अ वेरी डिप्रेसिंग नंबर, 46 out of 51, परसेंटाइल के हिसाब से 10 परसेंटाइल पे हूं मैं, मतलब अगर 100 लोगों की बात करते तो मैं 90th नंबर पे हूं, या शायद उससे भी पीछे। फिर से अगर आपको देखना है कि कौन से चैनल्स हैं जो सबसे आगे हैं, तो सेंटेक्स अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, स्टार्ट क्वेस्ट 700K, कोड बेसिक्स, कृष्णायक, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, ये तीनों लाइन से इंडियन यूट्यूब चैनल्स। तो या लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगला है वीडियोज रैंक। सो वीडियोज रैंक क्या बताता है कि आपके चैनल पे कितने वीडियोज हैं। मेरे चैनल पे लगभग 1100 वीडियोज हैं, ठीक है, बहुत सारे अनलिस्टेड हैं इसलिए आपको अगर आप सर्च करोगे तो दिखाएगा 850 के आसपास, बट मुझे पता है कि कितने सारे वीडियोस को मैंने अनलिस्टेड कर रखा है, बिकॉज
मुझे लगा कि क्वालिटी थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, बट मैंने शूट किए हैं अराउंड 1100 वीडियोस पिछले 3 सालों में। 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बाय द वे, मई या जून में हो जाएगा। तो जो भी है 2.5 सालों के अराउंड या 2.5-3 सालों के अराउंड आई हैव शॉट 1100 वीडियोस। और जब मैंने इसका रैंक निकाला तो इसमें आई एम वेरी हाई, लाइक आई हैव गॉट अ रैंक ऑफ 6 out of 51, या फिर आप परसेंटाइल के टर्म्स में बात करो तो 88 परसेंटाइल। ठीक है, तो गुड थिंग। पता नहीं, अगेन अगर आपको देखना है कि कौन से चैनल सबसे ऊपर है, सो देर इज दिस चैनल डेटा साइंस करियर कोच, सबसे ज्यादा वीडियोस अराउंड 1400, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, श्रीधर सर, क्रिश सर, जो भी है, आई एम ओवर हियर, इस जगह पे हूँ मैं, अराउंड 1100 वीडियोस। ठीक है, अगला है कितना पुराना है चैनल। ठीक है, जितना पुराना उतना टॉप पे रहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं 38th नंबर पे हूँ, या फिर आप बोल सकते हो 25th परसेंटाइल पे हूँ, मतलब 75% चैनल्स मेरे से ज्यादा पुराने। तो आई कैन से कि मैं रिलेटिवली एटलीस्ट कंपेरिजन के हिसाब से नया ही चैनल हूँ, मतलब बहुत पुराना नहीं हूँ। ठीक है, सबसे पुराने चैनल्स ये रहे। देर आर सर्टेन चैनल्स तो 10-10 साल पुराने हैं। सेंटेक्स 9 साल पुराना है, रित्विक मैथ 7 ईयर्स, कोड बेसिक्स 6 साल पुराना है। सो यू गेट द आइडिया, मतलब मैं थोड़ा नया चैनल हूँ, मतलब कैंपस एक्स थोड़ा नया चैनल है। ग्रेट, अगला है लास्ट 30 डेज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर है व्यूज। व्यूज मतलब पिछले 1 महीने में, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करो, ये ग्राफ बता रहा है कि पिछले 1 महीने में कितने व्यूज आए हैं। तो इसमें समहाउ आई डोंट नो वाई, बट मैं बहुत हाई रैंक कर रहा हूँ। मतलब बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर काउंट मेरे से डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, शायद 100K वाले चैनल्स भी जो हैं उनसे ज्यादा मंथली व्यूज मेरे इस पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो द रीजन, क्या रीजन है, जो भी है, मेरा रैंक है 13 और परसेंटाइल के हिसाब से आई एम एट 75th परसेंटाइल। लास्ट 1 महीने में कितने वीडियोस, कितने व्यूज आए हैं मेरे चैनल पे, लगभग 2 लाख व्यूज, तो ये बहुत हाई है। ठीक है, तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। अगेन इसका मैंने जब निकाला, ये रहे टॉप 15 चैनल्स, तो क्रिश सर का चैनल सबसे ऊपर है, कोड बेसिक्स है, ये तीनों इंडियन चैनल्स ही हैं। इसका रीजन ये भी है कि इंडिया में बहुत लोग हैं और डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, तो आई गेस दैट इज वाई हम इंडियंस, इंडियन लोगों का कंटेंट कंज्यूम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आई न्यूरॉन जो कंपनी है, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो सही है, मतलब ये भी अच्छा है, पॉजिटिव है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, रेशियोज की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा में थोड़ा और डीप लेवल पे क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक रेशियो बनाया है। हमारा अगला जो मेट्रिक है वो है कि एक सब्सक्राइबर के लिए कितने व्यूज की जरूरत पड़ती है हर चैनल को। देखो, हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आप सब्सक्राइब करो, तो बेसिकली हमारे व्यूज का एंड गोल, टारगेट होता है आपको सब्सक्राइब करवाना। तो ये जो मेट्रिक है ये बता रहा है कि हर चैनल को कितना व्यूज का दम लगाना पड़ता है एक सब्सक्राइबर पाने के लिए। ठीक है, तो मैंने बेसिकली नंबर ऑफ व्यूज को डिवाइड किया सब्सक्राइबर्स से, और जब मैंने ये कोड लिखा तो दिस इज द आउटपुट। मैं बहुत ही नीचे रैंक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे चैनल के वीडियोस को देखने के बाद सब्सक्राइबर्स को मन नहीं करता है सब्सक्राइब बटन प्रेस करने का। मुझे रीजन नहीं पता इसका। मैं 20th परसेंटाइल पे हूँ, काफी नीचे। जिनका भी ये परसेंटाइल बहुत ऊपर होगा, ये वो लोग हैं जिनके व्यूज बहुत कम व्यूज की जरूरत पड़ती है सब्सक्राइब करने का करने को के लिए। इट बेसिकली मींस कि उनके वीडियोस को देख करके लोग झट से सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं आपको टॉप चैनल्स, तो देयर इज दिस चैनल डेवलपर आशीष, इसको बस 19 व्यूज की जरूरत है एक सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। सिद्धारण 20 व्यूज, हर्षित त्यागी 22 व्यूज, आई न्यूरॉन इज देयर, कैगल का खुद का यूट्यूब चैनल इज 28। बट अगर आप नीचे जाओ तो आपको वो चैनल्स मिलेंगे जिनके जिनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक सब्सक्राइबर गेन करने के लिए,
सो अगर मैं एकदम नीचे जाऊं, क्रिश सर का चैनल इज देयर, अप्लाइड एआई सबसे नीचे है, इनको सबसे ज्यादा व्यूज दिखाने पड़ते हैं टू गेन वन सब्सक्राइबर। मैं यहां पर हूं, मेरे हर 83 वीडियोस का देखने के बाद एक सब्सक्राइबर सब्सक्राइब बटन प्रेस करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो भी है, हम यहाँ पे बहुत दुखी लोग हैं इस जगह पे, लास्ट के कुछ लोग काफी दुखी हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस ग्राफ को प्लॉट किया, स्कैटर प्लॉट बनाया मैंने व्यूज और सब्सक्राइबर्स के ऊपर। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज द प्लॉट। यहाँ पे कुछ चैनल्स है जो बहुत इधर है, मतलब सेंटेक्स है जो एकदम ही आउटलायर है, यहाँ पे क्रिश सर का चैनल, स्टार्ट क्वेस्ट, कोड बेसिक्स, ये सारे बहुत ही बढ़िया चैनल्स हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे भीड़ है गरीबों की, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा आओ तो यू वुड सी कि यहाँ पे वो चैनल्स हैं जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये देखो, और यहीं पे कहीं पे मैं पड़ा हुआ हूँ, ये देखो। सो अगर आप नोटिस करो कि अगर हम 0 से लेके 2 मिलियन व्यूज का ब्रैकेट ले लें, तो उसमें भी सब्सक्राइब करने में मेरा वाला जो चैनल है वो बहुत नीचे है। मतलब इसी सेम व्यू रेंज में आप देखो, ये चैनल्स, इनके वीडियोस झट से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि काफी नीचे पड़ा हुआ हूं मैं यहाँ पे। आई डोंट नो द रीजन, पीपल डोंट सब्सक्राइब माई चैनल, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, सेम ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट किया था थोड़ा और एनालिसिस करने के लिए, छोड़ो इग्नोर मारो। नेक्स्ट इज वीडियोस पर सब्सक्राइबर्स रेशियो। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कितने वीडियोस बनाने की जरूरत पड़ रही है हर चैनल को। ठीक है, तो इसमें इसमें आई एम एट 0th percentile। इट बेसिकली मींस कि मेरे चैनल को आउट ऑफ 51 चैनल्स सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस बनाने पड़ते हैं टू गेट वन सब्सक्राइबर। अगर आप यहाँ पे देखो, सैट क्वेस्ट इज अ चैनल जिसको 0.0003 वीडियोस बनाने की जरूरत पड़ती है एक सब्सक्राइबर गेन करने के लिए, और यहाँ पे मैं हूं, मुझे 0.06 वीडियोस बनाने की जरूरत पड़ती है एक सब्सक्राइबर के लिए। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मुझे 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए हैं, तो उसके लिए मुझे 6 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। ये डेटा रहा है अभी तक। ठीक है, तो काफी मेहनत लग रही है मुझे आप लोगों से वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करवाने के लिए, नॉट गुड। अगला है पर मिनट सब्सक्राइबर गेन, हर मिनट कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं सभी यूट्यूब चैनल्स के, ग्रोथ बताता है ये चीज। ठीक है, इसमें भी आई एम एट अ वेरी सॉलिड पोजिशन, 43 आउट ऑफ 51। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 16th percentile पे हूं मैं, काफी नीचे। ठीक है, ये चैनल है टीना हुआंग, इनके पर मिनट 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, हर मिनट 2 सब्सक्राइबर्स। ये सॉर्टेड नहीं आई गेस, अच्छा नहीं, ये कुछ गलत हुआ है एक्चुअली। ये एक्चुअली बता रहा है कि एक सब्सक्राइबर बढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो इस चैनल को 2 मिनट लगते हैं टू गेट वन न्यू सब्सक्राइबर। ठीक है, अभी 2 मिनट हुआ एक नया सब्सक्राइबर, 2 मिनट हुआ नया सब्सक्राइबर, ये नंबर ये बता रहा है। ठीक है, क्रिश नायक टेक्स अराउंड 4 मिनट्स टू गेट वन न्यू सब्सक्राइबर, वेर एज आई आई एम हियर अराउंड 70 मिनट्स लगते हैं टू गेट वन न्यू सब्सक्राइबर। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है पिछले 2-3 महीनों में, बट हम तो पूरा टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, दैट इज वाई ये थोड़ा सा नंबर ओवरऑल पीरियड बता रहा है। ठीक है, जो भी है, देर आर सर्टेन यूट्यूब चैनल्स जिनको 300 मिनट लगते हैं, इट बेसिकली मीन्स उनके पर डे में भी एक सब्सक्राइबर आता है, मतलब 300 मिनट्स हुए ना, 300 मिनट्स इज लाइक 5 आवर्स, तो 5 घंटे में एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, चलो अगला है प्यार रेशियो। इसका नाम मैंने प्यार रेशियो इसलिए रखा है क्योंकि ये क्या बता रहा है कि आपके YouTube चैनल पे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग मिल करके लास्ट 1 मंथ में कितने व्यूज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट टाइप का मेट्रिक है, एकदम परफेक्टली सही नहीं है ये बात, क्योंकि जो व्यूज आ रहे हैं पिछले 1 महीने में वो नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी आ रहे हैं, बट मैं क्रेडिट सब्सक्राइबर्स को दे रहा हूँ जस्ट टू क्रिएट अ मेट्रिक। ठीक है, इसमें आई एम एट अ वेरी सॉलिड 96th percentile, इनफैक्ट मैं सेकेंड नंबर पे हूँ। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि मेरा हर सब्सक्राइबर ने मुझे लास्ट मंथ में 11 व्यूज दिए। आई न्यूरॉन का जो यूट्यूब चैनल है उनको 16 व्यूज मिले हैं पर सब्सक्राइबर लास्ट मंथ। इन अ वे ये लॉयल्टी शो कर रहा है, इन अ वे ये बता रहा है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो खुश हैं, मतलब जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है दे आर कमिंग बैक एंड दे आर वॉचिंग माई वीडियोज। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लास्ट मंथ वाला जो डेटा है, लास्ट मंथ में कितने व्यूज हैं ये वाला जो डेटा है, ये बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इनफैक्ट इतना ऊपर की तरफ जा रहा है कि ये बाकी चैनल्स को टक्कर दे रहा है जिनका 100K सब्सक्राइबर्स है या उससे भी ज्यादा है। ये मैंने चेक किया, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक बार आप देखना, सच में ऐसा है। तो गुड पॉइंट, अच्छा लगा मेरे को, एटलीस्ट जो लोग हो आप लोग, यू आर हेल्पिंग मी ग्रो, थैंक यू फॉर दैट। अगला है व्यूज पर डे, हर दिन कितने व्यूज गेन करता है कोई चैनल। यहाँ पे मैंने क्या किया, व्यूज को डिवाइड कर दिया ओल्ड से, और ये रहा सबसे टॉप पे है क्रिश नायक सर का चैनल जहां पर 33,000 व्यूज पर डे है, मतलब इनसेन। मैं हूँ यहाँ पर 36 पोजीशन पे, अराउंड 29th परसेंटाइल। मेरा चैनल गेट्स अराउंड 1700 व्यूज। अगेन अभी इससे ज्यादा व्यूज आते हैं पर डे, बट ये ओवरऑल है जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन सी देर आर सर्टेन चैनल्स जिनके बहुत कम व्यूज हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इज व्यूज पर वीडियो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी व्यूज आपके चैनल पे आए उसके लिए कितने वीडियोज बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। वेरी सॉलिड 49 out of 51। मेरे चैनल पे जितने भी व्यूज हैं उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत वीडियोस बनाने पड़े हैं तब जाकर के उतने व्यूज आए हैं। देर आर सर्टेन चैनल्स जिनको एक वीडियो पे अराउंड 2 lakh व्यूज मिलते हैं, मैं हूँ यहाँ पर एकदम ही नीचे, मुझे हर वीडियो पे 1300 व्यूज मिलते हैं। अगर मेरे वीडियोज बहुत ज्यादा नहीं होते तो मेरे व्यूज बहुत कम होते, बहुत ही कम होते, मेरे नंबर ऑफ वीडियोस ने मुझे बचाया है। तो अगेन सैड थिंग। अब ये हो गए सारे मैट्रिक्स, इसके बाद मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पीसीए अप्लाई करके डेटा विजुअलाइजेशन किया, जितना भी डेटा था उसको 2D में ले आया और उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। कोड आप देख सकते हो, दिस इज द आउटपुट, ये रहा वो ग्राफ। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या बता रहा है और वाई एक्सिस क्या बता रहा है, किसी को भी नहीं पता, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो जो जो अच्छे बढ़िया चैनल्स हैं, काफी बड़े चैनल्स हैं, वो थोड़े अलग से दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी, ठीक है। ये क्राउड है जहां पे ज्यादातर चैनल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और फिर ये कुछ चैनल्स हैं जो थोड़े और फिर से अलग हैं, जैसे कि पाइथन इंजीनियर, टीना हुआंग, डेटा साइंस करियर कोच, कैंपस एक्स, आई न्यूरॉन, ये भीड़ से थोड़े अलग हैं बट ये बहुत बड़े चैनल्स भी नहीं है। टीना हुआंग आई गेस इज अ बिग चैनल, बट बाकी मतलब इस ग्राफ को देख करके मेरे को बस ये समझ में आया कि मैं बहुत अलग भी नहीं हूं जो ये चैनल्स हैं, और मैं एकदम क्राउड जो है उसका भी पार्ट नहीं हूं, थोड़ा यहाँ पे अलग लाई कर रहा हूं। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, पता नहीं, आई डोंट हैव अ कंक्लूजन फॉर दिस। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट्स में लिखना पीसीए का कंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद अब मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज की कि होना कितना चाहिए था। आई नो 18,000 बहुत कम है सब्सक्राइबर्स, तो मैंने क्या किया, सिंस हमारे पास डेटा है 50 और चैनल्स का, मैंने उस डेटा को उठाया और उसके ऊपर मैंने मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन किए। सब्सक्राइबर काउंट को मैंने वाई बना दिया, प्रिडिक्शन बना दिया, इसको मैंने एक रिग्रेशन प्रॉब्लम बना दिया, और जब वो मॉडल ट्रेन हो गया उसमें मैंने कैंपस एक्स के इनपुट्स डाले कि इतने वीडियोस डाले हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी इतने व्यूज हैं, लास्ट महीने इतने आ रहे थे, कितना पुराना है, ये सब मैंने इनपुट में डाला और प्रिडिक्ट क्या करवाया कि सब्सक्राइबर काउंट कितना होना चाहिए कैंपस एक्स का। तो सिंस डेटा ज्यादा नहीं था, मैंने मल्टीपल एल्गोरिथम्स के ऊपर इसको ट्रेन किया, मैंने डीप लर्निंग यूज किया, मैंने रैंडम फॉरेस्ट यूज किया, मैंने एक्सटी बूस्ट यूज किया, एसवीएम यूज किया, 5-6 एल्गोरिथम्स यूज किए, और उन सब से जो प्रिडिक्शन आया मैंने उसको एवरेज किया तो मुझे एक नंबर मिला कि मेरा सब्सक्राइबर काउंट कितना होना चाहिए। लेट मी शो यू,
सो यहाँ पे सारा काम किया मैंने, एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया, दिस इज द डेटा, ठीक है, स्केल कर दिया डेटा को, सेम स्केल पे ले आए, नहीं तो डीप लर्निंग काम नहीं करता। बाकी सारा काम आपको पता है। यहाँ पे मैंने लगाया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जब मैंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगाया तो उसका प्रिडिक्शन के हिसाब से 33 आना चाहिए था, और इसी तरीके से मैंने रैंडम फॉरेस्ट लगाया, मैंने एक्सजी बूस्ट लगाया, मैंने एसवीआर लगाया, मैंने ग्रेडियंट बूस्टिंग लगाया, मैंने के नेबर्स रिग्रेसर लगाया, और इन सबको ऐड करके जब 6 से डिवाइड किया, दिस इज द नंबर। सो मेरे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को लगता है कि जो भी बाकी का डेटा है उसके हिसाब से कैंपस एक्स का इस पॉइंट पे सब्सक्राइबर्स काउंट होना चाहिए था 38,000, 18,000 है। तो जब मैंने सोचा कि अगर मेरे 38,000 सब्सक्राइबर्स होते तो मैं कैसा फील करता, तो मुझे लगा हाँ यार, मतलब ठीक ही रहता। 38,000 में एटलीस्ट मेरे को ये फील नहीं होता कि बहुत खराब है, सही रहता 38,000। बट यहाँ इट्स 18, बट ये नंबर मुझे ठीक ही लग रहा है, 38 के आसपास हो सकता था जितना डेटा है बाकी। आई गेस इट कुड हैव बीन 38, अब नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक बार कंक्लूड करते हैं, मैंने एक कंक्लूजन बनाया है, लेट मी कंक्लूड इट। सो दिस इज द कंक्लूजन, दिस टेबल इज द कंक्लूजन। व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने सारे के सारे मेट्रिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, और उसके बगल में सारा का सारा परसेंटाइल लिख दिया है, ठीक है, और मैंने हर परसेंटाइल को एक कलर दिया है। तो कलर जितना कम है परसेंटाइल उतना रेडिश शेड है, और जितना ज्यादा है उतना ग्रीनिश शेड है। सो यू कैन सी, ये रहा आपके सामने व्यू रैंक 27%, सब्सक्राइबर रैंक 10%, नंबर ऑफ वीडियोस 88%, लास्ट 30 डेज का परफॉर्मेंस 75, एक सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कितने व्यूज 20, एक सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कितने वीडियोस 0, पर मिनट सब्सक्राइबर गेन, लॉयल्टी रेशियो जिसको मैंने प्यार रेशो बुलाया था, बेसिकली व्यूज पर सब्सक्राइबर लास्ट 1 मंथ में कितना पुराना है, व्यूज पर डे, व्यूज पर वीडियो। तो लेट मी गिव यू अ कंक्लूजन, द कंक्लूजन इज दिस कि अगर मैं सिर्फ इस कलर को भी देखू ना, ये जो कलर दिखाई दे रहा है इस टेबल पे, अगर मैं इस कलर का भी एवरेज निकालू ना तो इट वुड बी रेड, और रेड का मतलब होता है फेल। सो इन कंक्लूजन, माई चैनल हैज बीन अ फेलियर, मतलब आई कैन टॉक ऑब्जेक्टिवली, मतलब मैं झूठ बोल सकता हूँ खुद से, बट आई विल बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, मेरे को लगता है ऑनेस्ट असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंटायर डिस्कशन, दिस एंटायर एनालिसिस, आई वुड से द चैनल हैज बीन अ फेलियर। जो भी मैं करने आया था उस लेवल पे रीच नहीं हो पाया, मार्केटिंग में फेल हुआ, जो भी हुआ, यूट्यूब ने पुश नहीं किया, जो भी रीजन है आई डोंट नो द रीजन, बट द कंक्लूजन हैज टू बी दैट दिस चैनल हैज बीन अ फेलियर। ठीक है, कितना भी खराब लग रहा है बोलने में, बट यस इट इज, इट इज। ये रहे मेरे कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन मेरा ये था कि क्लस्टरिंग करने पे थोड़ा अलग आ रहा है, पता नहीं क्यों पर आ रहा है। दूसरा, द चैनल हैज बीन क्वाइट पोलराइजिंग। अगर आप नोटिस करो, इन सारे मेट्रिक्स में आपको कहीं येलो शेड नहीं मिलेगा। सो इन 11 मेट्रिक्स पे या तो चैनल बहुत लो है या फिर बहुत हाई है, 30 to 75 परसेंटाइल के बीच में कहीं भी लाई नहीं कर रहा। सो बेसिकली जो मैं लाइफ भर लास्ट बेंचर बना रहता था, मेरा पर्सनालिटी घुस गया इस चैनल में, और बहुत ही पोलराइजिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं। अगला कंक्लूजन है, होना तो चाहिए था 38 के आसपास, बट क्या कर सकते हैं, नहीं है, लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता है। अब मैंने सोचा, और शायद आप भी सोच रहे होगे, यार तू सब्सक्राइबर के लिए क्यों रो रहा है इतना। आई टेल यू द लॉजिकल रीजन, सब्सक्राइबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पे काफी काम करने के बाद आई नो दिस। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको। लेट्स से एक बहुत बढ़िया मूवी बनी बॉलीवुड में, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जब मूवी रिलीज हुई ना तो उसको बहुत सारे मूवी थिएटर्स ने लगाया ही नहीं, बेसिकली उनको उस मूवी को बहुत सारे स्क्रीन्स मिले ही नहीं, बहुत कुछ ही जगहों पे वो मूवी लगी। अब वो मूवी कितनी भी अच्छी होगी, क्या वो पैसे कमा पाएगी, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी, नहीं। उस मूवी के बारे में लोग क्या बोलेंगे, अरे दिस इज अ अंडर रेटेड जेम, हिडन जेम है ये, बहुत बढ़िया मूवी थी किसी को पता ही नहीं चली, अनुराग कश्यप की मूवीज बेसिकली। यूट्यूब पे भी सेम चीज होती है,
जो सब्सक्राइबर काउंट होता है ना, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम को बताता है कि जब आप एक नया वीडियो डालोगे तो उसको कितने लोगों तक पहुंचाना है। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर काउंट उतने ज्यादा तक रीच होगी और उतना ज्यादा चांस है कि आपका वीडियो सक्सेसफुल हो, वायरल हो। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ बार बार प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे वीडियोस को इनफ स्क्रीन्स नहीं मिल रहे। ठीक है, बन रहा है, एक छोटा ऑडियंस है उनके लिए वो सही है, वो लोग अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, दे आर कमिंग बैक, सब कुछ अच्छा है, बट दैट इज लिमिटेड, लिमिटेड बाय माई सब्सक्राइबर्स काउंट। तो यस, दैट इज वाई सब्सक्राइबर्स आर इम्पोर्टेंट। कैसा फील कर रहे हो? मैंने खुद से पूछा ये, कैसा लग रहा है? तो नॉट गुड, इन समरी आई वुड से नॉट गुड, बट आई हैव सीन फेलियर इन माई लाइफ, इनफ फेलियर टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में रिजल्ट इज टू रिवॉर्ड का जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है, मेरे को ये पता है। तो आई विल ट्राई हार्डर, नाउ दैट आई नो कि प्रॉब्लम क्या है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, आई विल टॉक टू मोर पीपल अबाउट दिस प्रॉब्लम कि आपको क्या लगता है, क्या परेशानी है। उसी का पहला स्टेप ये है कि मैं आपसे हेल्प मांगू, आपसे ज्यादा मेरे को कोई नहीं जानता, आप देख रहे हो मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो क्या आपके पास कुछ सजेशन है? कैन यू सजेस्ट मी समथिंग? कमेंट्स में लिख के बताओ। ये एनालिसिस आप भी रन कर सकते हो, डेटा मैं आपको दे दूंगा, ये नोटबुक मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको कुछ और दिखाई दे तो लेट मी नो। इन जनरल भी अगर आपको कुछ लगता है मेरे चैनल के बारे में कि यार हाँ आप ये इम्प्रूवमेंट तो कर ही सकते हो, प्लीज लेट मी नो, आई वुड लाइक टू सी क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, ऑल्सो यू कैन हेल्प मी गेन मोर सब्सक्राइबर्स, गेन मोर व्यूअर्स, आप शेयर करो अपने सर्कल में। ठीक है, उससे भी थोड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ा हेल्प ये है कि इसी पॉइंट पे आप मुझे अभी के अभी हेल्प कर सकते हो। आप लोगों में से भी बहुत लोग हैं जिन्होंने वो सब्सक्राइब बटन नहीं प्रेस किया है, आपके सामने है वो अभी, प्लीज डू प्रेस इट। ठीक है, इट विल जस्ट टेक वन क्लिक बट इट विल हेल्प मी अलॉट, ट्रस्ट मी। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो टोटल ये मेट्रिक है, सी दिस मेट्रिक, लाइफ टाइम व्यूज जो है, लाइक कितना देखा गया मेरा चैनल के वीडियोस, उसमें 50% से ज्यादा लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 50% से कम लोगों ने ही किया है। तो यार अगर आप हो ऐसा जिसको मेरे वीडियोस पसंद है और तो कर दो यार, मतलब कर दो, फालतू में मैं परेशान हो रहा हूँ। तो या मतलब फीलिंग थोड़ा सैड, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड, बट आई नो आई विल बी अप एंड रनिंग बाय टुमारो। कल से फिर से वीडियोस डालते हैं और इस बार थोड़ा सा फोकस रहेगा मार्केटिंग के ऊपर, और लेट्स 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 ब्रीच 100K, लेट्स ट्राई दिस इस साल के अंदर अंदर। मतलब एटलीस्ट मैं खुद को ही टारगेट दूंगा और मैं साम दाम दंड भेद सब ट्राई करूंगा। लेट्स टेक इट एज अ टारगेट, करते हैं। ठीक है, हेल्प मी, मिलके करते हैं। सो या दैट्स इट आई गेस, और मुझे कुछ नहीं बोलना। वीडियो पसंद आया हो, एटलीस्ट जो एनालिसिस पार्ट है वो पसंद आया तो लाइक कर दें। ठीक है, चलो बाय।